ओके क्लियर है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन अपना मॉडर्न में आता है, जिसको आपने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के टाइम में भी, टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन के टाइम में भी देखा था कि सिस्टमैटिक्स बाद में ऐड हुआ था। ओके ये सब हो गया ना, अंडरलाइन मार्क हो गया, एनसीईआरटी के मार्क, एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर, उनका कॉमन एंसेस्टर होगा जो भी एक टैक्सा। टैक्सॉन क्या होता है, व्हाट इज द टैक्सॉन? टैक्सॉन, व्हाट इज टैक्सॉन? हेलो, आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें हमारी? रिप्लाई करो फास्ट, व्हाट आर द सेवन डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? रिप्लाई रिप्लाई फास्ट। Each level, each rank, each group of hierarchy of classification is known as taxon. Which one is the smallest taxon of taxonomic hierarchy या category? Species. Yes, correct. Correct, correct. ठीक है, तो आप उसी टैक्सॉन की बात ये कह रहे हैं कि अगर आपने एक सेम टैक्सॉन किसी भी एक सेम रैंक पे बात की, जो कि आपका किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इस तरीके से अरेंज है, इसमें अगर आपने किसी भी एक लेवल पे बात की, तो आप उसके बैकग्राउंड में आपको एक आइडिया लगता है कि वहां पे कॉमन एंसेस्ट्री होगा। इज इट क्लियर? ये स्टेटमेंट क्लियर है? This assumes that belong organisms belonging to the same taxa have a common ancestor. अगर class class में जो same है वो different different class जो group होंगी आपकी phylum में, उस phylum में कहीं ना कहीं एक कोई common ancestor होगा। जैसे देखो बेटा, आपने इर्द गिर्द भी आप अपनी family hierarchy में देखो, तो आपके दादाजी के दादाजी के पापा जो होंगे उनके कई बच्चे रहे होंगे, ठीक है, उनकी tree से आपके दादाजी आए होंगे, दादाजी से फिर आपके पापा भाई बहन होंगे, ठीक है, आपने बुआ देखे होंगे, चाचा देखे होंगे, बड़े पापा ताऊजी लोग देखे होंगे, इनके बच्चे हो रहे हैं, तो यू कैन सी कि सभी पीछे ना पीछे किसी से एक कॉमन है, इनका कॉमन ये, इन दोनों के कॉमन ये, इन तीनों के कॉमन यहाँ पे, तो आपको हमेशा रिवर्स में, बैक साइड में आपको क्या मिलेंगे, कॉमन एंसेस्टर मिलेंगे। तो अब आप लेवल पे, टैक्सोनॉमिक लेवल पे बात कर रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली टैक्सोनॉमिक लेवल में उसके प्रीवियस हायरार्की ग्रुप में उसके कॉमन एंसेस्टर मिलेंगे। इज इट क्लियर? जबकि वो कॉमन एंसेस्टर इटसेल्फ क्या होता है, स्पीसीज होता है, जो आपको दिख रहा है, जो एंटिटी है, जो विजिबल है, दैट इज अ स्पीसीज, लेकिन वो इस किंगडम से, इस फाइलम से रिलेटेड होगा। इज इट क्लियर? फर्स्ट चैप्टर का रिकॉल हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा आपको ये क्लियर समझ में आया, फटाफट लिखो वाई और एन। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेस टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन, दिस बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। अगर आप किसी को क्लासिफाई कर रहे हो, कुछ स्टडी कर रहे हो, कोई नई डिस्कवरी कर रही हो, उसकी क्लासिफाई करना है आपको, नेमिंग करना है, तो आपको ऑलरेडी उसका कोई फॉसिल नहीं है, लिविंग है, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ रिकॉर्ड की नीड पड़ेगी कि क्या इंफॉर्मेशन, उसकी राइट इंफॉर्मेशन चाहिए, टैक्सोनॉमिकल एड्स आपको चाहिए कि उसके थ्रू आप उसको प्रॉपर कैटेगरी में क्लासिफाई कर दो।
न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज एनसीईआरटी के ही मार्क्स पॉइंट्स चल रहे हैं बेटा. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज नाउ इजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर, ये कल बताया था मैंने. 0 1 वैल्यू में हम देखते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, तो उसको हम इसी लैंग्वेज में सेव करते हैं. सारा डेटा बेस्ड हमारे पास सेव है, तो हम डेटा में एक भी जो चीज नई एंट्री करेंगे उसके रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा कि वो किससे कितने परसेंट सिमिलर है, तो उसको नियर बाय कौन उसका कॉमन एंसेस्टर हो सकता है. ओके, दिस अप्रोच ऑफ सिस्टमैटिक्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व्स द न्यूमेरिकल इवेल्युएशन ऑफ द सिमिलैरिटीज और एफिनिटी, कौन किससे कितना क्लोज है, सिमिलर है, कितनी एफिनिटी शो करता है, क्लोजनेस को शो करता है, बिटवीन टैक्सोनॉमिकल यूनिट्स, देन अरेंजमेंट ऑफ दीज यूनिट्स इनटू पर्टिकुलर टैक्सा, किस ग्रुप पे किस रैंक पे आप देखना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्लेस कर सकते हो. ओके बच्चा, अभी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो. यहाँ पे फाइलोजेनेटिक आपको समझ में आ गया, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर क्लोरोफिल कंटेनिंग एंड हैविंग सेल वॉल, ये तो आपको प्लांटिंग की बात हो गई, इसको नहीं नोट करना है. फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी, ये भी नहीं नोट करना है. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी यूज कंप्यूटर बाय असाइनिंग कोड फॉर ईच कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर का, ताकि कोई कैरेक्टर मिस ना हो जाए उसके लिए पर्टिकुलर कोई कोड है मैच करने के लिए. मैच हुआ तो वो उसके नियर बाय आएगा, सिमिलरिटी में आ जाएगा, मैच नहीं हुआ तो वो डिसिमिलरिटी में जाएगा. देखो बेटा, जब आपको मैंने की पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था की हमेशा कंट्रास्टिंग फीचर्स का पेयर होता है, उसको बोलते हैं कपलेट. क्लियर? कपलेट में आपको क्या क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है, या तो यस की या तो नो की, जो भी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स दी वो है या नहीं है, ये था. इससे आपको क्या मिलता है, लीड मिलती है, किस चीज के लिए, अगले कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए. तो आप हमेशा देख रहे हो कि देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक कोड फीचर, ठीक है. तो उसी तरीके से हर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या दे दिया गया, एक कोड दे दिया गया. वो कोड जब मैच करेगा तो वो सिमिलरिटी में चला जाएगा, या तो यस तो सिमिलरिटी, नो तो डिसिमिलरिटी. टैक्सोनॉमी क्या हो गया, बहुत एक्यूरेट क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है. इससे बहुत ही परसेंटेज ऑफ सिमिलरिटी को कैलकुलेट करके आप नियर बाय प्लेस कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट है साइटोटैक्सोनॉमी, इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, साइटो मीन सेल, सेल की इंफॉर्मेशन पे बेस्ड, लाइक क्रोमोसोम नंबर स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर. ये लिखा होगा आपका एज इट इज, आपको लिखा होगा एनसीईआरटी में. केमोटेक्सोनॉमी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स टू रिजॉल्व द कंफ्यूजन. ठीक है, किसी भी आप जो लिविंग प्लांट्स की स्टडी कर रहे हो उनकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, उसमें क्या प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर में कितने परसेंटेज में क्या प्रेजेंट है, लेयर में क्या प्रेजेंट है, मिडिल लैमेला किस चीज का मोर अबंडेंट है, क्लियर, कौन सा न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट ज्यादा चाहिए, मिनरल्स चाहिए, सॉइल कैसी चाहिए, दैट ऑल आर असेंशियल. एंड अगर ये सब पैरामीटर आप केमिकल बेसिस पे स्टडी कर रहे हो तो आप उसको प्लेस करते हो केमोटेक्सोनॉमी. ओके बच्चा, क्लियर है? फिर आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है ये क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम साइज, इसको आप हाईलाइट कर लो. साइटोटैक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम साइज, क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी, दिख कैसा रहा है, ठीक है, कैसा शेप है, कितनी साइज है, ये सारी इंफॉर्मेशन, नंबर क्रोमोसोम के कितने हैं, स्टेज क्या है, डेप्लॉयड है, हैप्लॉयड है, पॉलीप्लॉयड है, टेट्राप्लॉयड है, ये सारी चीजें आप क्या देख रहे हो बेटा, बेस्ड ऑन द सेलुलर की किस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो. ओके, अब आप बोलो मैम माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं लिया, मैम क्लोरोप्लास्ट नहीं लिया, दीज आर द कंपार्टमेंट बेटा, वो फंक्शन करने के लिए, उसमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. डिस्टिंग्विश कहाँ कर सकते हो, जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है जिसके पास, वो कहाँ होगी, डीएनए पे, डीएनए कंडेंस होता है, क्या बनता है, क्रोमोजोम बनता है, तो क्रोमोजोम पे आप कर लो, नंबर पे, साइज पे, मॉर्फोलॉजी पे, उसका शेप कैसा है, मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, ठीक है, सब मेटासेंट्रिक. क्रोमोसोम बिहेवियर ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस में कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, ये आपको पैटर्न में समझ में आएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर में समझ में आएगा कि किस तरीके के डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन,
ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि कुछ क्रोमोसोम के बिहेवियर में चेंज हुआ, जंपिंग जीन्स हैं, ट्रांसपोजोन्स हैं, तो इस तरीके के चेंजेस होते हैं, तो आप क्रोमोसोमल बिहेवियर पे स्टडी कर सकते हो। कैमोटेक्सोनोमी समझ में आया? केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन्स आर आल्सो यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट दीज डे। मतलब ये सब मॉडर्न टैक्सोनॉमी में आता है। ओके बच्चा, क्लियर है? ओके, प्लांट किंगडम को आप ब्रॉडली जब क्लासिफाई करते हो तो कुछ अगर जनरल फीचर पे क्लासिफाई करते हो तो सबसे जो डोमिनेटिंग मतलब कैरेक्टर के बेसिस पे आप फीचर देखते हो वो है स्ट्राइकिंग फीचर फॉर्मेशन ऑफ सीड। ओके, तो आप दो कैटेगरी मिलेगी आपको, या तो फॉर्मेशन ऑफ सीड हो रहा होगा या तो फॉर्मेशन ऑफ सीड नहीं होगा। ओके, तो जिसमें हो रहा है उसको बोलते हैं फेनरो, जिसमें नहीं हो रहा है वो कहते हैं क्रिप्टो गैमी, क्रिप्टोगैमी, फेनरोगैमी। प्लांट्स विद सीड, प्लांट्स विदाउट सीड, प्लांट विद सीड, प्लांट विदाउट सीड। विद सीड में आ जाता है, आपको एक दिन और बताया था मैंने, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म इसमें आ जाता है नेकेड, यहाँ पे आता है आपका फ्रूट बनता है, मतलब कवर्ड है, ठीक है ना बेटा? फ्रूट के अंदर आपको सीड में दिखता है। ओके, फिर आपको प्लांट में विदाउट सीड में थैलोफाइटा, क्या क्या आ जाता है इसमें? आपका एल्गी आता है। अभी आप प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एल्गी आता है, अदरवाइज इसमें लाइकेंस भी पड़ते हैं, इसमें फंजाई भी पड़ते हैं। ब्रायोफाइटा, कुछ लोग थैलोफाइटा में लोअर ब्रायोफाइटा को थैलोफाइटा में रखते हैं, एंड देन टेडोफाइटा। तो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, दीज आर द डिविजन ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, ये एक दिन और इमेज आपको दिखाया था प्लांट किंगडम वाले केस में, जो आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखा था। तो ये हो गया आपका एल्गी, ये है आपका ब्रायोफाइटा, ये है आपका टेरिडोफाइटा। फर्न रिप्रेजेंटेटिव का नाम लिखा बेटा, एंड सनफ्लावर आपका हो गया, एंजियोस्पर्म एंड कोनिफर हो गया आपका, कोनिफरस में आता है, पाइनस, जिम्नोस्पर्म। ओके, ठीक है। अब इसी तरीके से हम कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के सीड विदाउट सीड में, फिर अब विदाउट सीड में आप जा रहे हो तो विदाउट सीड में तो और भी तो क्लासिफाई करना है, आप एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को कैसे क्लासिफाई करोगे? तो उसी तरीके से बेटा चीजों का आपको एक इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन होगा। ओके, क्लियर? चलो, तो अभी देखो जैसे मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक्स और ऐड की, ये बस मैं समझाने के लिए कर रही हूँ कि आप समझो, बाकी तो हम एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अभी बताने वाले। प्लांट्स, अब हमने कहा था सीड विदाउट सीड, तो वो तो आप एक हायर में आपने डिस्टिंग्विश की, नहीं, अब हम और एक देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और ऐड कर रहे हैं, प्लांट्स विद वेस्कुलर प्लांट एंड नॉन वेस्कुलर प्लांट। तो नॉन वेस्कुलर प्लांट में रह जाएगा आपका ब्रायोफाइटा और एल्गी, जैसे यहाँ लिखा है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, मॉसेस एंड लीवर वर्ट्स, एल्गी, इन सभी के पास क्या है? वेस्कुलर सिस्टम नहीं है। इसका मतलब टेडोफाइटा वेस्कुलर कैरेक्टरिस्टिक्स रखते ही इस ग्रुप में आ गया, सीड वालों के साथ आ गया। अब सीडलेस है, सीड है, तो सीडलेस में यहाँ कौन बचा? टेडोफाइटा निकल आया फिर से। तो कई सारे आप देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिया आपने उसके अकॉर्डिंग, एल्गी, ब्रायोफाइटा यहाँ था, टेरिडोफाइटा यहाँ आ गया, अब क्या बचा? फिर से आपका एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। समझ में आ रहा है? फिर कॉटिलेडॉन पे जाओगे तो जिम्नोस्पर्म हट जाएगा, कॉटिलेडॉन में क्या आ जाएगा? मोनोकॉट, डाइकॉट एंजियोस्पर्म के अंदर आएगा। इज इट क्लियर? तो व्हाट डू यू हैव टू नोट दैट कि यहाँ पे आप जब जब कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो उसके पैटर्न पे आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम मिलेंगे। वट इज द नीड टू स्टडी अबाउट ऑल प्लांट्स एंड फॉर, क्यों हम स्टडी करने बैठे हैं, क्या है पर्पस, हमारा इको सिस्टम कैसा है? हमने तुम्हें बताया था कि लिविंग के जब सिस्टम आप पढ़ रहे हो तो आप एदर आप एक सेल के अंदर देखो, वहां पे भी इंटरेक्शन चल रहा है। हायर क्लास में आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि इंटरेक्शन लेवल पे ही पॉसिबल है लाइफ। आप सेल के बाहर देखो, ऑर्गन में देखोगे, टिश्यू में देखोगे, वहां भी इंटरेक्शन चल रहा है।
पूरी बॉडी को देखोगे, ऑर्गन सिस्टम देखोगे तो वहां पे भी इंटरेक्शन है। फिर एक ऑर्गेनिस्ट को देखोगे कि वो कैसे सरवाइव कर रहा है। आप देखो, खुद को ऑब्जर्व करो, आप सुबह से उठे और दिन तक की आपकी दिनचर्या क्या है। विदाउट इंटरेक्टिंग तो नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आपने कुछ पानी पिया होगा, कुछ खाया होगा, किसी ने आपको पढ़ाया है, किसी ने किसी से आपसे बात हुई होगी, कहीं किसी ने आपको पहुंचाया है, किसी से आपने ट्रैवल किया होगा। नंबर ऑफ इंटरेक्शन यू हैव टू गो थ्रू इन ऑल द ओवर द डे, इज इट क्लियर? तो उसी तरीके से क्या है, पॉसिबल नहीं है विदाउट इंटरेक्शन। तो हमें जानना तो है कि हम रहते कहाँ हैं, क्या हमारा इकोसिस्टम है, हमें क्या उससे मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, किसको सेव करना है, किसको इग्नोर कर, ठीक है। कंजर्व बायोडायवर्सिटी, अगर इतनी बायोडायवर्सिटी धीरे धीरे इसमें एक्सटिंक्शन होगा तो ऑब्वियसली जो एक्सटिंक्ट होगा उसके वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा। पूरा एक चैप्टर है इस पे आपका 12th में। प्रॉपर मैनेजमेंट, किसको कंजर्व करना है उसके लिए पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए। किसी चीज से हमें क्या फायदा हो रहा है तो हमें उसको कंजर्व करना पड़ेगा। जस्ट सपोज किसी प्लांट के सोर्स से हमें बहुत अच्छी कोई मेडिसिन मिल रही है तो हमें उसको सेव करना होगा बेटा, इज इट क्लियर? साइंटिफिक स्टडी, कोई भी रिसर्च है किसी भी पर्पज से, मेडिसिन यू ही तो नहीं, किसी को सपने में आया कि भाई इस प्लांट की लीफ तोड़ लो और इसको पीसोगे, इसका जो जूस निकलेगा उसकी केमिकल स्टडी कर लो, उसका स्ट्रक्चर डिजाइन कर लो एंड यू विल फाइंड अ मेडिसिन, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? तो साइंटिफिक स्टडी मतलब रिसर्च वाले पर्पज के पीछे भी क्या है, आपका नीड है कि आप पहले स्टडी तो करो, पहले उसके बारे में जानो, तो तब तो आप ये सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर पाओगे। अब चलो पहला डिवीजन देखते हैं, दैट इज एल्गी। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सीक्वेंस रहेगा स्टडी का दैट इज अबाउट द जनरल फीचर। आप पहले सबसे कुछ जनरल फीचर देखोगे उसके, उसके हैबिटेट के बारे में देखोगे, वो कहाँ पे उग रहा है, कहाँ पे है, प्लांट है इसलिए एनिमल है तो भी आप बात करोगे, हैबिटेट, उसके एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है। उसके बाद आप, क्योंकि वो प्लांट है तो आप प्लांट के बेसिस पे बात करोगे, थैलोफाइटा है, ठीक है, ट्रू प्लांट है, किस तरीके के कैटेगरी है, अपियरेंस कैसा है उसका, मॉर्फोलॉजी कैसी है उसकी। फिर फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो फोटोसिंथेसिस तो कर ही रहा होगा, फोटोसिंथेसिस को हम कॉमन ले लेते हैं, लेकिन किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, कैसा स्ट्रक्चर है। उसके बाद आप बात करते हो कि वही वेस्कुलर सिस्टम है या नहीं, ट्रैकियोफाइट है, ए ट्रैकियोफाइट है, ठीक है, कहीं पैरासिटिक तो नहीं है, क्लियर, कैसे जगह पे ग्रो कर रहा है, ये सब चीज आपको देखना होता है पूरा एक जनरल। और लास्ट में आप क्या देख लेते हो, रिप्रोडक्शन, और फिर ह्यूमन है तो बिना उसके फायदे के हम काम ही नहीं चला सकते, इतना हम एल्गी को ढूंढ क्यों रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं, तो हमें क्या फायदा है, हाउ दे आर बेनिफिट, ये पोर्शन पढ़ते हुए हम एक एक डिवीजन को कंप्लीट करेंगे। सीक्वेंस समझ में आया? और इन्हीं से एमसीक्यूज बनते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द एल्गी। एनसीईआरटी के ही पॉइंट हैं, आप देखो एकदम ध्यान से। माय इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। ओके, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या मेरी आवाज में, वीडियो में, एनी प्रॉब्लम स्लाइड में? नहीं आ रही है तो चलने दो, उसको वार्निंग देने दो, देखते हैं। ओके, तो एल्गी आर, अब आर के बाद आपके पास पैराग्राफ है, मैंने उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। क्लोरोफिल बेयरिंग, क्लोरोफिल बेयरिंग सबको पता होगा, जिसे नहीं पता है वो बिना झिझक के एन लिख देगा, बता दूंगी मैं, सिंपल। क्योंकि आप क्या करते हो, कंपैरेटिव, आपको कंपैरिजन कहाँ तक है प्लांट में, एंजियोस्पर्म में, तो आपको एंजियोस्पर्म के कंपैरिजन में तो ये बहुत ही प्रिमिटिव है, पहले आया है, एक्वेटिक है, प्रोटिस्टा में आपने इसके देखे डायटम, स्टेनोफ्लैजेलेट्स, तो यू नो द फीचर्स कि एल्गी के क्या बेसिक फीचर्स होंगे। ओके, थैलाइड, समझ में आ रहा है, बॉडी ऐसी है कि आप कुछ डिफाइन नहीं कर सकते कि रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीफ क्या है, प्लांट है, कैसा है, क्या है, तो थैलस लाइक स्ट्रक्चर। ऑटोट्रॉफिक इसी से कनेक्टेड है, क्लोरोफिल बियरिंग है तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ऑटोट्रॉफिक हो गया। एंड लार्जली एक्वेटिक, मोस्टली लार्जली क्या है,
एक्वेटिक है, वॉटर में, वॉटर में भी फिर से बात आती है, कैसे वॉटर में, बोथ, कैसा बोथ, फ्रेश वॉटर एंड मराइन, खत्म कहानी, हैबिटेट। एक जनरल आपको कई सारी इंफॉर्मेशन मिल गई यहीं पे, अब इसमें से कोई वर्ड किसी को नहीं समझ में आया तो फटाफट बता दो। ओके, अभी आ रही है ना आवाज? ओके बेटा, सब वर्ड क्लियर है? क्लोरोफिलस बोल दें या क्लोरोफिल बियरिंग बोले या क्लोरोप्लास्ट हैविंग क्लोरोप्लास्ट बोले, किसी भी तरीके से पूछते हैं बेटा तो कि हाँ मुझे आ गया इसका मीनिंग समझ में, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है। सिंपल है, मतलब उसका ऑर्गेनाइजेशन अभी सिंपल है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, थैलाइड बॉडी है, ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेसिस लार्जली एक्वेटिक, हैबिटेट उसका क्या है, वॉटर के अंदर, वॉटर बॉडीज में पाया जाएगा। वॉटर बॉडीज कैसा है, फ्रेश वॉटर भी हो सकता है, मैराइन वॉटर भी हो सकता है, क्योंकि आप पूरे के पूरे डिवीजन की बात कर तो जो प्रिमिटिव आए होंगे वो कहाँ होंगे, मराइन में होंगे, पहले ओशियन था। ओके, दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट, मॉइस्ट स्टोन्स, सॉयल एंड वुड। इससे रिलेटेड हम आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे कि कहाँ पे पाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, बट अभी आप इसको एक तरीके से मार्किंग कर लो। दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट, पानी के बाहर आप लाओगे तो कहाँ दिखेगा आपको, मॉइस्ट प्लेसेस पे दिखेगा। आप देखो, ध्यान से देखो, अपने इर्द गिर्द निकलोगे बाहर, अभी बारिश बारिश खत्म हुई है, बहुत सारी एल्गल ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, आप वहां पे स्लीपरी फील करते होगे मांडवी के किनारे, या आप कहीं पे भी देखो जहाँ पे आप एक वो मेरिया बंदर पे जो सीढ़ियों वाला है उसके अगर आप सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे जाओगे तो वहां पे आपको स्लीपरी अपेयरेंस आएगा। क्यों आता है, कैसे आता है, सब आएगी धीरे धीरे बात, लेकिन वहां पे क्या है, एल्गल ग्रोथ है, तो मॉइस्ट साइड में, वाटर के साइड में, ओके, दैट इज द मॉइस्ट प्लेस, पानी होना चाहिए। स्टोन्स पत्थर पे, सॉयल पे एंड वुड दूसरे प्लांट के वुड पे। अब देखो बेटा, बच्चे कैसे उठपटांग क्वेश्चन करते हैं, मैम वो पहले आया था वुड पे कैसे आ गया, भाई पहले जो एल्गी आई थी वो पानी में आई थी, लेकिन वुड होने के बाद एल्गी ने एडॉप्टेशन किया और वो प्लांट के बनने के बाद, वुडी प्लांट के बनने के बाद वो वुड पे भी ग्रो करने लगी। सिंपल सी लिंकिंग है, कोई इवोल्यूशन होके क्या एडॉप्ट किया दैट इज डिफरेंट मैटर, और कौन पहले आया था दैट इज डिफरेंट मैटर। सेम वे में जैसे हम बढ़ाएंगे तो तुम लोग बोलोगे कि मैम आप तो बोल रहे हो अब जाके मैमस आया, और आप अंदर बोल रहे हो कि पैरासिटिक डिजीज होता है हमें एस्केरिस से, तो एस्केरिस हमारे अंदर रहता है तो पहले कैसे रहता होगा, बेटा वो एडॉप्टेबिलिटी होती है। ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए, लेकिन उसका आंसर भी समझ लेना चाहिए, और उसके बाद ऐसे इलॉजिकल क्वेश्चन की बात नहीं करते, क्योंकि मैडम ने बता दिया उसका फंडामेंटल है बिहाइंड द इवोल्यूशन कि उसने एडॉप्ट किया, वो उस जगह पे शिफ्ट हो गया। अरे हम कभी यूपी में रहते थे, कभी एमपी में थे, आज महाराष्ट्र में है, कल को कहीं और हो सकते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि हम महाराष्ट्र में कैसे आ गए। क्लियर बच्चा? तो वैसे ही होता है, कुछ कुछ आप समझो हम क्या बताना चाह रहे हैं। सम ऑफ देम ऑल्सो, तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, ये सारे आपके एमसीक्यूज हैं एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स। सम ऑफ देम, तो वो देम आपके क्वेश्चन बन गए। Also occur in association with fungi, बहुत पुरानी कहानी हो गई, अपन तो बेसिक से कई बार ये चीज सुन चुके हैं, lichens के साथ, okay? fungi के साथ तुरंत lichens, one is phycobiont, another one is mycobiont, phycobiont algal part, mycobiont fungal part, and animals, animals का example क्या दिया हुआ है, sloth bear, मतलब animal के body के ऊपर algal growth है, तो अब ये थोड़ी कहेंगे कि एनिमल तो बहुत बाद में आया तो ये वाली एल्गी कैसे पहले ग्रो कर रही थी। तो अब आपको ये दिख रहा है एल्गी लाइकेन दिख रहा है फर्स्ट इमेज में आपको रॉक पे, मैंने एक दिन आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि जब टेरेस्ट्रियल, अब देखो देखो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, इधर एक प्लांट भी तो दिख रहा है, तो ये प्लांट है, ये बहुत बाद में आया होगा अर्थ पे, लेकिन ये पहले आया था, बट ऐसा नहीं कि ये अब है ही नहीं। ओके, तो लाइकेन भी है, प्लांट भी है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम प्लांट बना होगा तो इस रॉक की वेदरिंग की होगी, इसने इस रॉक को इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया होगा, फिर कुछ लाइकेन डेड हुए होंगे, उनके डेड एंड डीके मटेरियल से यहाँ सॉयल बना होगा, फिर उस पर ब्रायोफाइटा आया होगा, फिर टेल्डोफाइटा आया होगा, फिर जिम्नोस्पर्म आया, फिर एंजियोस्पर्म आया, और आज की डेट में सब है धरती पे, ये हमारी धरती है। तो ज्यादा अपने कोई एल्स बट नहीं करना है, जो बोलते हैं वो समझते चलो। ये स्लॉथ बियर दिख रहा है,
अब इसमें ये क्या रहा? होली खेल के थोड़ी दूर घूम रहा है, ये क्या करे? इससे नहीं हटेंगी एल्गी, हटेंगी ही नहीं। इसके बॉडी के ऊपर एल्गी है, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है अपीयरेंस, दैट इज द एल्गल अपीयरेंस। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चा, तो एनिमल के ऊपर ग्रोथ कर दिया एंड रॉक पे ग्रो किया, तो फंजाई के साथ एसोसिएशन है, इसको बोले लाइकेन। एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल तो भूलना ही नहीं है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एकदम कहें तो हमारे सर आंखों पे वैसे हाल रखना इनका। ओके नेक्स्ट, ये आपको कुछ एल्गी की इमेजेस दिख रही है जिसमें आप ये वॉल वॉक समझ लो, आप धीरे धीरे आएगा वैसे वैसे बात करेंगे। ठीक है, स्पाइरल शेप है, स्पायरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, तो अभी देखते हैं वन बाय वन। ग्रीन एल्गी फ्रॉम डाइवर्सिटी, यहाँ पे आपको दिख रहा है या तो ये फिलामेंटस हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है, सिंगल सेल में। आपने क्लेमाइडोमोनास को याद रखना है, क्लेमाइडोमोनास है प्रोटिस्टा, क्या कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, मतलब यूनि सेलुलर यू कैरियोटिक एल्गी। बट हमारे बॉटनी के लोगों को बड़ा अभी क्लेमाइडोमोनास से प्यार है, तो इसको रखते हैं अपन प्लांटी में। ओके, तो कुछ चीजें आएंगी जो आपको मार्क करना है, पेडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, जिग्नेमा, स्टार शेप, क्लोरोप्लास्ट, ये आपको मिला हुआ है सेल चैप्टर में। स्पायरोगायरा की भी बात सेल चैप्टर में हो रखी है, क्लोरोप्लास्ट पढ़ते वक्त कुछ याद आ रहा है? यस, हाँ मुझे याद है, अच्छी बात है बेटा, याद रहना चाहिए। चलो देखो ध्यान से, द फॉर्म एंड साइज, फिर से एनसीईआरटी का पॉइंट है, द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। ठीक है, देखो वेरिएशन किस में आता है पता है तुम्हें? जो सबसे पहले आएगा ना, और उसको सर्वाइवल करने के लिए बहुत फाइट करना पड़ेगा, उसको इन्वायरमेंटल चैलेंजेस झेलने पड़ेंगे, उसमें वेरिएशन बहुत होगा। तो ह्यूमन में वेरिएशन देखते हो क्या? ज्यादा क्या वेरिएशन दिखेगा तुम्हें, क्या दिख रहा है बताओ? बहुत होगा स्किन कलर का, बहुत होगा हेयर कलर का, आई कलर का, दैट इज जेनेटिक्स। ठीक है, ह्यूमन में आप और बहुत वेरिएशंस नहीं देख सकते, हाइट थोड़ी छोटी बड़ी देख सकते हो, बहुत वेरिएशन मतलब क्या देख सकते हो बताओ? दो सर वाला ह्यूमन देखा है क्या? आठ हाथ वाले ह्यूमन देखा है क्या? तो वेरिएशंस नहीं आ सकते, क्योंकि हम बहुत सेट होने के बाद, एटमोसफेयर में सेटलमेंट आने के बाद, इन्वायरमेंटल में होने के बाद हमारा ओरिजिन हुआ है। ओके, तो द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल बिकॉज प्रिमिटिव है, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फ्रॉम फॉर्म्स लाइक वॉलवॉक्स। एग्जाम्पल मार्क करो एनसीईआरटी, रेंजिंग फॉर्म फ्रॉम कॉलोनियल, कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलवॉक्स एंड द फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूलोथ्रिक्स। तो फिलामेंट, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एग्जाम्पल लॉक्ड। ठीक है, कॉलोनियल वॉलवॉक्स एग्जाम्पल लॉक्ड। कॉलोनी को क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, वो सब अभी आते हैं, अगले क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। ओके, अ फ्यू ऑफ देम आर मराइन, मराइन बॉडीज में है, केल्प, अभी दिखाते हैं हम इसका इमेज। ये केल्प इतने खतरनाक होते हैं कि पूरा का पूरा शिप जा रहा है, ये उस शिप के रोटेटर जो नीचे फैन लगे हुए हैं जो चल रहे हैं उसमें उलझ जाए अगर, तो पूरा का पूरा शिप भी पलट जाता है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं इनके। ठीक है, तो इनको सेंस करने की बॉडीज लगी होती है बड़े बड़े शिप के अंदर। अ फ्यू ऑफ द मैराइन फॉर्म सच एज कैल्प फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। ओके, मार्क हो गया, एनसीईआरटी चल रही है, दिस इज कैल्प, सी कैल्प दिख रहा है आपको, कितना है जैंट अप टू 105, 30 मीटर तक, मेरी जो बिल्डिंग दिख रही है ना, आराम से मतलब दो तीन मंजिले तक की बात आप समझ सकते हो, 30 मीटर। तो उसमें अगर ये आप उसके रोटेटर्स में सी, यहां से कोई शिप जा रहा है तो उसके रोटेटर में उलझेगा तो वो पूरा का पूरा रोटेटर बंद हो जाएगा और इससे एक्सीडेंट होता है। तो इनको सेंसरी, इनको सेंस करने के लिए यूनिट लगी होती है। अब हम कर ले दुनिया भर की बात, तुम्हारा क्वेश्चन जो आएगा वो एनसीईआरटी से ही आएगा। तो एनसीईआरटी में देखो 3.1 इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दिख रहा है आपको पहला, दैट इज वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स कैसा है, ये कॉलोनी है,
मतलब ये एक वॉल बॉक्स है, ये एक वॉल बॉक्स है, ये वॉल बॉक्स है, ये वॉल बॉक्स, इज इट क्लियर? वॉल बॉक्स इज कॉलोनियल एल्गी, ये सिंगल नहीं रह सकती है, ओके? फिर इसमें लेबलिंग पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, डॉटर कॉलोनी, व्हाट इट मींस? एक मेन कॉलोनी के अंदर छोटी कॉलोनी बनने लगी, ओके? और ये कॉलोनी डिटैच हो जाएगी तो ये एक बड़ी कॉलोनी हो गई, फिर इसके अंदर छोटे कॉलोनी बनने लगी, मतलब दिस इज लाइक अ रिप्रोडक्शन, यू कैन सी, ओके बेटा, दिख रहा है आपको? तो पेरेंटल कॉलोनी, डॉटर कॉलोनी, ये लेबल ध्यान रखना। ये क्या है? वॉल वॉक्स। किसमें आता है? लिखा होगा नीचे, आप देखना, ग्रीन एल्गी, वॉल वॉक्स, ठीक है? ग्रीन एल्गी का ही दूसरा एग्जाम्पल क्या है? यूलोथ्रिक्स। कैसा है? फिलामेंटस। अब ये एग्जाम्पल एकदम आपको बस डिस्टिंग्विश तुरंत नेमिंग के लिए आएगा क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे इनके बगल बगल में ही लिख लो पेंसिल से, यूलोथ्रिक्स। एक बार पीवाईक्यू में गलत आया तो ऑप्शन भी गलत था, चैलेंज भी हुआ था उसको, तो वो हो सकता है वो पीवाईक्यू भी आपको ऐसे कहीं मिल जाए, तो आप अपने नॉलेज के साथ जाना बेटा, ठीक है? अब बी में जाओ, बी में आप देखो, थोड़ा सा देखो बेटा, ये प्रिमिटिव है, एकदम डॉट 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 दिख रहा है, फिर फिलामेंट हो रहा है, फिर कुछ आपको लीफी लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगे, ठीक है? तो ग्रीन एल्गी प्रिमिटिव है, उसके बाद आपके आए ब्राउन एल्गी, देन आए आपके रेड एल्गी। तो अभी हम क्लासिफिकेशन में बात करेंगे, तो हम आपको बताएंगे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ओके? तो जस्ट अभी आपको इमेज ध्यान में रखना है, तो इमेज में आप देख रहे हो, ये लेबलिंग के लिए आता है, फ्रॉन्ड एंड स्टाइल, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे पेंसिल से लिखो, लीफी स्ट्रक्चर, ओके? लीफी स्ट्रक्चर, फ्रॉन्ट, लीफ नहीं है ये, ध्यान देना, लीफ तो हो ही नहीं सकता एल्गी में, लीफ आएगा टेडोफाइटा में बेटा, ओके? स्टाइप, जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कोनिडियोफोर में फोर को हमने बोला था स्टॉक, तो स्टाइप मीन्स स्टॉक। फिर जो होल्ड करेगा वो क्या हो जाएगा? होल्ड फास्ट। एन एग्जांपल किसका है? ये लैमिनेरिया, आइडेंटिफाई के लिए आएगा लैमिनेरिया, सेकंड जिसमें डॉट डॉट दिखे, एयर ब्लैडर की बात हो रही है, वो होता है फ्यूकस। ये मैं तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ बेटा, एकदम अटेंटिव होके सुनो। फिर से क्या है, आपको क्या बोला मैंने, जिसमें एयर ब्लैडर दिखा रहा हो वो होगा फ्यूकस। तो एयर ब्लैडर, फ्रॉन्ड हमको यहीं पे मिल गया था, यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है। फ्रॉन्ड की बात कहाँ पे हुई? ब्राउन एल्गी में हुआ, ब्राउन एल्गी फियोफाइसी हो जाती है, ओके? फिर लीफ लाइक अरेंजमेंट है, लीफ लाइक अपीयरेंस है, तो लीफ में एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये सपोज आम की पत्ती है ना बेटा, तो आम की पत्ती में आपको बीच में जो एक लाइन दिखती है ना, और फिर ऐसे ऐसे लाइन आपने बहुत सारे लीफ ड्रॉ की होगी, तो ये जो बीच वाली लाइन है ना, दिस इज नोन एज मिडरिब, इसको बोलते हैं मिडरिब। ये रियल मिडरिब नहीं है, रियल लीफ नहीं है, लेकिन हम इसे भी क्या बोल रहे हैं? मिडरिब बोल रहे हैं, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर को फ्रॉन्ट बोल रहे हैं, ओके? अब ये आपको पूरा भी मिलेगा इन्फॉर्मेशन क्लास तक, मतलब अलग अलग क्लासिफिकेशन तक जाओगे तब भी, लेकिन इमेज को कंप्लीट कर लेते हैं अपन एक बार में। एंड देन डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, फिकस, डिक्टियोटा, तीन ही एग्जांपल होते हैं, एक बार तुम नीचे देख लेना बेटा, डिक्टियोटा, डिक्टियोटा ही होगा, चलो मैं देख लेती हूँ, हाँ क्लियर है? डिक्टियोटा, ब्राउन एल्गी, एंड लास्ट वन आपको क्या दिख रहा है? रेड एल्गी का। डिक्टियोटा में लेबलिंग में आपको कुछ ऐसा है नहीं, जो ध्यान रखना है एयर ब्लैडर और स्टाइप, ये ध्यान रखना आप, फ्रॉन्ड आपको याद रहेगा क्योंकि तीनों में फ्रॉन्ड है, क्लोरोफाइसी में कोई फ्रॉन्ड का लेबल नहीं आएगा, एयर ब्लैडर का लेबल नहीं आएगा। लास्ट वन आ जाती है आपकी मोस्ट इवॉल्व। अब देखो मैंने बेटा एक चीज ध्यान से सुनना है यहाँ पे, मैं तुम्हें जब भी कोई डिवीजन पढ़ाऊंगी या फाइलम पढ़ाऊंगी एनिमल में या प्लांट में, तो एक होगा लोअर, एक होगा हायर, ये मैं बार बार बता रही हूँ, एक होता है लोअर, एक होता है हायर। तो यहाँ पे आपकी हायर कैटेगरी में क्या आ जाती है? ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। फंजाई में हायर क्या थी? एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है बेटा, ओके? तो उसी तरीके से आप क्या पढ़ रहे हो?
हायर की तरफ, तो हायर में रेड पिगमेंट से रिलेटेड अपियरेंस रहता है, रेड अपियरेंस उनका ज्यादा दिखता है, तो आप उसको क्या बोलते हो, रेड एल्गी। क्या क्या एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के? एग्जाम्पल मस्ट है, पोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया। अब ये मैम आप तो बोलती है प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, ये सब लाइक है बेटा, दिस इज नॉट ट्रू प्लांट। ये बहुत माइन्यूट है, ये इतना छोटा सा भी नहीं दिखेगा आपको, मैं तो फिर भी बड़ा बना रही हूँ, इज इट क्लियर? लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोपिक देखोगे तो उसका कुछ इस तरीके से ही थैलस है, दिस इज थैलस। अगर मैं न्यूरॉन्स बनाई थी बेटा, आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर याद है कुछ? अगर मैं इस तरीके से न्यूरॉन बना रही हूँ, तो आप इसको सीधा खड़ा करके आप इसको प्लांट या कुछ ऐसा हैवी स्ट्रक्चर थोड़ी ना बोलोगे, ये तो है तो सिंगल सेल ना, उसके माइक्रो ट्यूब्यूल्स ने उसको ये स्ट्रक्चर दे दिया, उसका साइटोस्केलेटन ऐसा है। कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत पहले सॉल्व हो चुकी है, सेल चैप्टर अगर तुम्हारे ध्यान में रहेगा ना, तो ये सारे क्वेश्चन आते जाएंगे, सॉल्व होते जाएंगे माइंड में। तो फ्रंट लीफ लाइक स्ट्रक्चर किसका है बस इतना याद रखना है, पोरफायरा, लिख लो यहीं पे पोरफायरा, गलत नहीं होने चाहिए। पॉलीसाइफोनिया सिंपल आप देखना, जिसमें बहुत सारे साइफोनिक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, 1 2 साइफोन, साइफोन मतलब ट्यूब, समझ लो ठीक है, वैसा स्ट्रक्चर प्लांट जैसा आपको दिखेगा वो पॉलीसाइफोनिया होगा। किसके एग्जांपल है? रेड एल्गी। ये हम 2 3 बार अभी रिवाइज करा देंगे आपको, इसकी टेंशन नहीं लेनी है आप। ओके, अब एनसीईआरटी में आप देखोगे आपको पैराग्राफ में अबाउट द हैबिटेट हो गया, अबाउट द शेप हो गया, स्ट्रक्चर की बात हो गई, शॉर्ट चल रहा है एनसीईआरटी। मेरे पास तो बहुत सारी स्लाइड है अभी एल्गी की, ठीक है, तो एनसीईआरटी देख रहे हैं हम लोग पहले। अब रिप्रोडक्शन आ रहा है, एज पर एनसीईआरटी द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल सेक्सुअल। ओके, प्लांट है तो हम यहाँ पे वेजिटेशन की बात करेंगे, वेजिटेबल बात करेंगे, एसेक्सुअल स्पोर और सेक्सुअल मेथड्स, गैमेट फॉर्मेशन, स्पोर्स देखेंगे, क्लियर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, ये सब क्वेश्चन है आपके, जैसे मैंने लिखा है इसी तरीके से आपके नोट्स होंगे, आप वन वन लाइनर नोट्स बनाओगे तो आपको ये क्लियर रहेंगे। ईच फ्रेगमेंट, अब ये कितनी बार पढ़ोगे, ठीक है, ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इंटू न्यू ऑर्गेनिज, ऑर्गेनिज यहाँ पे क्या है, थैलस, थैलोफाइटा, तो थैलस आ गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर, मैंने बताया कि जब भी एसेक्सुअल वेजिटेटिव से अगे अगे अलग हो, तो आप समझ जाना कुछ उसके लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको वेजिटेशन जैसा दिख रहा है, उससे आपका एक रिप्रोडक्शन हो रहा होगा, एंड कुछ एसेक्सुअल स्पोर्स बन रहे होंगे, उसको आप ले ले रहे होंगे एसेक्सुअल में। ऑल दो आपके दिमाग में एकदम क्लियर घुसा रहना चाहिए कि दो ही टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं ब्रॉडली, वन इज एसेक्सुअल मेथड एंड अनदर वन इज सेक्सुअल मेथड, इसलिए वेजिटेटिव हमेशा एसेक्सुअल के अंदर आता है। दे आर, अब आपको यहाँ पे स्पोर का नाम याद रखना है, जू स्पोर अभी आया था फंजाई के भी टाइम में। द मोस्ट कॉमन बींग्स ऑफ द स्पोर इज जू स्पोर, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, मार्क कर लेना, अपने आप में वो बोल्ड लेटर में ही लिखा होगा। दे आर फ्लैजिलेटेड, जू का मतलब मोटाइल, मोटाइल स्पोर मतलब उसको मूवमेंट करना है, मूवमेंट करना है तो उसके पास स्ट्रक्चर क्या आ गया, फ्लैजिला। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव्स राइज टू द न्यू प्लांट, अब बेटा रिप्रोडक्शन करना है तो जर्मिनेट होगा स्पोर, तो क्या करेगा, नए प्लांट को बना देगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, यूनिवर्सल है ये, जगत जाहिर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब दो गैमेट का फ्यूजन, दो इंडिविजुअल का इन्वॉल्वेशन। अब ये तुम लोग को बड़े अच्छे से याद होना चाहिए, आइसोगैमी क्या होता है, एनाइसोगैमी क्या होता है, ओगैमी क्या होता है, जो प्लांट के केस में, सॉरी जो फंजाई के केस में पढ़ा था वही यहाँ पे बात हो रही है। ओके, दोनों गैमेट सिमिलर है मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल सेम, दो टर्म बस याद रखो, मॉर्फोलॉजी भी सेम है, इंटरनल फिजियोलॉजी भी सेम है, तो दे आर कंप्लीटली आइसोगैमस, प्योर आइसोगैमी हो जाएंगे। ओके, देखने में एक जैसे हैं लेकिन फिजियोलॉजी अलग है, ओके, एक्टिविटी अलग है, तो क्या हो जाएंगे, मॉर्फोलॉजिकल आइसोगैमी बट फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी, एक ही गैमेट में ये भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, डेप्थ की बात है ये। ओके, देखने में भी अलग है, फिजियोलॉजी में भी अलग है, एनाइसोगैमी, एक मोटाइल है एक नॉन मोटाइल है, एक फ्लैजिलेटेड है एक नॉन फ्लैजिलेटेड है, ऊगैमी।
मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, एक एक यहाँ पे क्या है, गैमेट, आइसोगैमी एक जैसा गैमेट, एनाइसोगैमी अलग अलग गैमेट, ऊगैमी एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल, तो ऊगैमिस इज ऑलवेज कंसिडर इन एनाइसोगैमिस। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड, तभी हमने यहाँ पे बताया आपको, एंड सिमिलर इन साइज एज इन यूलोथ्रिक्स। अभी एग्जाम्पल फिर से आ रहा है बेटा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आप मार्क करते चलोगे, पूरे चैप्टर ही एग्जाम्पल का खेल है बेटा, प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम। यूलोथ्रिक्स और नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल, तो मोटाइल के साथ आपको एग्जाम्पल किसका मिला है, यूलोथ्रिक्स का। बोथ आर फिलामेंटस, यहाँ पे जो एल्गी का नाम दिया हुआ है दोनों फिलामेंटस है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। ओके, एक मिनट बेटा होल्ड करो। एग्जाम्पल जो है आपको दिया हुआ है नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल, यूलोथ्रिक्स, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सिमिलर इन साइज एज इन स्पायरोगायरा। अब देखना बेटा, ये नॉन मोटाइल में फ्लैजिलेटेड, यूलोथ्रिक्स सिमिलर इन साइज, ओके। एंड ये आपको क्या है, नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन साइज कॉमन जा रहा है, लेकिन एक फ्लैजिलेटेड है एक नॉन फ्लैजिलेटेड है। एक का एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, एक का एग्जाम्पल स्पायरोगायरा। ये सब ऐसे ही बेटा आपको भी याद हो जाएंगे, सबको याद हो जाता है, घबराना बिल्कुल नहीं, बस 2 से 4 बार पढ़ना है। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, जिसमें सेम है, देखो सेम, फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं सेम, नॉन फ्लैजिलेटेड भी सेम हो सकते हैं, लेकिन सेम है, मॉर्फोलॉजी सेम है, फिजियोलॉजी सेम है, मूवमेंट कर रहे हैं, सब कुछ सेम जैसा है, तो आइसोगैमी हो गया। तो आइसोगैमस का आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछेगा तो उसमें आपका यूलोथ्रिक्स भी आ जाएगा, उसमें आपका स्पायरोगायरा भी आ जाएगा, लेकिन उसने ट्रिकी क्वेश्चन कर दिया, आइसोगैमी नॉन फ्लैजिलेटेड देन आंसर विल बी स्पायरोगैरा, आइसोगैमी फ्लैजिलेटेड देन आंसर विल बी यूलोथ्रिक्स। ओके बच्चा, फ्यूजन, नेक्स्ट चलते हैं। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट सिमिलर डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीसीज ऑफ यूटोरिना इस टर्म्स एज एनाइसोगैमस। क्या बोल रहे हैं उसको आप, डिफरेंट साइज का है, डिसिमिलर इन साइज है, तो आपने उसको क्या बोला, एनाइसोगैमस। एग्जाम्पल क्या है, यूटोरिना, याद रखना पड़ेगा बेटा, कोई इसका इफ एज बट और कोई आपको ट्रिक व्रिक में जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल हमेशा आपके सामने आएगा, आंसर सामने रहेगा एमसीक्यू में, और उसको आप क्लिक करो आगे बढ़ो। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल, ओके, लार्ज नॉन मोटाइल मतलब फीमेल गैमेट, दुनिया में यही है, ओके, एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड एज ऊगैमस, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। एग्जाम्पल ध्यान रखो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 एग्जाम्पल आ गए आपके आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी के, जिसमें एनाइसोगैमी में आपको यूडोरिना दिया हुआ है, और अगर वो आपसे पूछता है एनाइसोगैमस यूडोरिना वॉल्वॉक्स फ्यूकस और, तो स्मार्टली वो पूछ रहा है कि ऊगैमस इज अ टाइप ऑफ एनाइसोगैमस। ओके, एनाइसोगैमी देके और ऊगैमी भी पूछा है, तो आपको यूडोरिना को नहीं लाना है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस के बारे में वो पूछ रहा है। आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो इस चैप्टर का, आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। ओके बच्चों, एनसीईआरटी होगी मार्किंग, फिर आपका ईमेज दिया होगा, इसके बाद आपका, मैंने भी एनसीईआरटी ओपन कर ली क्योंकि एलगी में मुझे बियॉन्ड द एनसीईआरटी जाना है बेटा। ओके, तो फटाफट अभी हाउ यूजफुल, दैट इज अगेन पॉइंट ऑफ एलगी, तो आप यहाँ पे देखो, एलगी आर यूजफुल टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वेज, मैन मतलब ह्यूमन बीइंग बेटा, ऐसा नहीं कि वोमेन नहीं यूज करेंगे, कॉमनली वी कॉल मैन, ह्यूमन बीइंग के अलग अलग तरीके से अपन यूज करते हैं एल्गी को, ड्रग से लेके, कैंडी से लेके, माइक्रोबियल कल्चर से लेके, ग्रोथ से लेके, बहुत जगह यूज होता है, तो देखते हैं क्या क्या मेंशन है। एटलीस्ट अ हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ, मतलब फोटोसिंथेसिस जो आपने पढ़ा हुआ है, तो अब ये एल्गी के बारे में चल रहा है बेटा, तो ये हिडन है कि यहाँ डायटम्स की भी बात हो रही है, आप समझना इस चीज को ध्यान से। ओके, इसमें आपके डायटम्स भी आ जाते हैं फिर से, क्योंकि वो क्या है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एल्गी, इज कैरिड ऑन बाय एल्गी
थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो आपके मैराइन लाइफ में हैबिटेट में है वो इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। कहाँ पे डिजॉल्व है तो कहाँ होगा बेटा, इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट, मतलब एक्वेटिक की बात कर रहे हैं, पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन। दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। अब बेटा फोटोसिंथेसिस हो रही है तो उससे क्या मिलेगा हमें, ग्लूकोज। ऑक्सीजन तो बाय प्रोडक्ट होता है, आपको ये भी पता है, ग्लूकोज इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन तो हमें गिफ्ट में मिला हुआ है, जैसे कहते हैं ना एक के साथ एक फ्री, तो बाय प्रोडक्ट में हमें ऑक्सीजन मिलता है, बाकी हम ऐसे देखते हैं। मेन प्रोडक्ट क्या है फोटोसिंथेसिस का, ग्लूकोज है। ओके बच्चा, क्लियर है। विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ ऑल द एक्वेटिक एनिमल्स। तो एनिमल्स फाइटोप्लैंक्टन्स पे डिपेंडेंट होते हैं, तो आप देख लो साइकिल बना, एक हायरार्की बनेगी। मेनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, पोरफायरा इसका मतलब क्या है बेटा, जीनस है। लैमिनेरिया जीनस है, एंड सार्गसम जीनस है। तीनों के पास लिखो जीनस, याद है ना जीनस क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है। पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गासम आर अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। इनको अपन एज अ फूड भी यूज करते हैं। बेटा देखो ध्यान से, हेडिंग यही है कि हाउ यूजफुल। मैंने बोला था रिप्रोडक्शन के बाद हम लास्ट में क्या देखेंगे कि हमारे लिए वो किस तरीके से फायदेमंद है। सर्टेन मैराइन ब्राउन, ठीक है, सर्टेन मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स बहुत जरूरी है, नहीं तो वो वाटर बॉडी में बह जाएंगे बेटा, उसको होल्ड करने के लिए जरूरी है। क्लियर, तो आप ब्रैकेट में लिख लेना, वहां पे लिखा ही हुआ होगा वाटर होल्डिंग सब्सटेंस कोलाइडल सॉल्यूशन विद वाटर, मतलब वाटर का कोलाइडल सॉल्यूशन बन रहा है। लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स, और इसी को आप यूज करते हो कहाँ पे, कमर्शियली जो आप जेल जेली वगैरह बनाते हैं ना उसमें यूज हो रहा है ये। तो एलिजिन ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मार्क करो, एग्जाम्पल फिर से आ गया, और याद रखना ब्राउन एल्गी है ये, मैंने ब्राउन से लिख दिया है। कैरागिन रेड से लिखा है, रेड एल्गी, हो नहीं सकता कि हर जगह ये अप्लाई होगा बेटा, बट मैं कभी कभी ऐसे काम कर देती हूँ। विच आर यूज कमर्शियली, कमर्शियल यूज मैंने बताया कैंडी वगैरह बनाने के लिए, अभी हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में देख लेंगे। कैरागिन रेड एल्गी विच आर यूज कमर्शियली, ठीक है, फेशियल वगैरह जो यूज होता है उसमें भी यूज किया जाता है। अगार, अगार का नाम पहले भी आ चुका है, माइक्रोब्स में, ग्रोथ में, कल्चर में, वहां पे नाम लिया था मैंने अगार। अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया एगेरोफाइट्स। इनको क्या बोलते हैं, एगेरोफाइट, ऐसे फाइटा, ऐसे प्लांट जिनसे हमें अगार मिले उनको हम क्या बोलते हैं, एगेरोफाइट। लिख लेना आप ये टर्म्स, इनको भी यूज किया जाता है जेल जेली में। आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड कैंडीज जेलीज। देन हमारे, मेरा बहुत फेवरेट है, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है, क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला। क्लोरेला ग्रीन एल्गी है बेटा, यूनिसेलुलर है एंड रिच इन प्रोटीन। स्पेस में जब जाते हैं तो फॉर अ पर्पज ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन एंड फॉर द पर्पज ऑफ फूड सप्लीमेंट, इसको लेके जाते हैं स्पेस ट्रेवलर लोग, एस्ट्रोनॉट्स लोग। स्पाइरुलिना, क्लोरेला, यूनिसेलुलर एल्गी, याद रखना बेटा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मार्क कर लेना, लेकिन प्रोटिस्टा में नहीं पढ़ना है आपको, कहाँ पढ़ना है, क्लोरोफाइसी में पढ़ना है, एल्गी में पढ़ना है। इन प्रोटीन्स is used as food supplement even by space traveler। आपके साथ
क्लोरेला के साथ स्पाइरुलिना आएगा, तो बोथ आर करेक्ट, दोनों ऑप्शन के साथ आप चले जाना। आया हुआ है PYQ, इज इट क्लियर? तो क्लोरेला देखा हमने, प्रोटीन रिच है, मतलब फूड सप्लीमेंट की तरह यूज हो रहा है। नाउ क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ क्लासिफिकेशन अगेन पिगमेंट बेसिस पे है, क्लासिफिकेशन का बेसिस जैसे फंजाई का क्लासिफिकेशन माइसीलियम के अपीयरेंस एंड स्पोर के फॉर्मेशन पे था, वैसे ही एल्गी का क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन व्हाट? पिगमेंटेशन। एल्गी दिख कैसी रही है, कौन सा पिगमेंट ज्यादा है उसमें, इज इट क्लियर बच्चा? तो क्लोरोफाइसी ग्रीन, फियोफाइसी ब्राउन, रोडोफाइसी रेड। ओके बच्चा, वन बाय वन एक एक को देखते हैं। नाउ फर्स्ट है क्लोरोफाइसी, स्टिल एनसीईआरटी इज गोइंग ऑन। मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। थोड़ा मैं फास्ट कर रही हूँ स्पीड, आपकी पेंसिल आप तेज चलाओ, बाद में मार्किंग करना आराम से। द प्लांट बॉडी मे बी, याद रखना मे बी, यूनिसेलुलर, खुद में एक्सेप्शन लेके आ गया ये लाइन ही। आपको वॉलवर्क्स आ गया, आपको क्लाइमाइडोमोनास आ गया, आपको क्लोरेला आ गया। ओके, यूनिसेलुलर क्लाइमाइडोमोनास यहाँ पे आएगा। ओके, कॉलोनियल वॉलवर्क्स आएगा यहाँ पे, फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि ये क्या हो गया बेटा, आपका यूनिसेलुलर हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपीयरेंस आपको दिख रहे हैं। अभी आपने इमेज में भी देखा था, फिलामेंटस का एग्जांपल देखा, यूलोथ्रिक्स कॉलोनियल का एग्जांपल देखा था, वॉलवॉक्स। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन, ग्रास ग्रीन डायरेक्ट क्वेश्चन है, ग्रीन में भी कैसा, ग्रास ग्रीन, दे आर नॉट ग्रास। ग्रास मतलब समझे ना, घास, घास जैसा हरा दिख रहा है लेकिन घास नहीं है। ड्यू टू द डोमिनेंस पिगमेंट, कई सारे प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंटेशन को रिवाइज करना, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट, हरा दिख रहा है इसका मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट का डोमिनेंस है, कौन ज्यादा है कंसेंट्रेशन में वो कलर दिख रहा है। तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, यूनिवर्सल पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए। कितनी सारी इंफॉर्मेशन होती है ना, बार 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 ध्यान में आती है। मैं तुम लोग याद कितनी रह जा रही हैं, क्या नोट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बेटा, देखो ये सब मेरे साथ बताई हुई चीजें हैं, पढ़ी हुई चीजें हैं, तुम्हें ध्यान में आ गई होनी होनी चाहिए। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट, हमें पता है ग्रीन, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस, क्रोमोप्लास्ट ऑल अदर कलर्स, प्लास्टिड के क्लासिफिकेशन में पढ़ा हुआ है बेटा, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड में। The chloroplast may be discoid. ठीक है, chloroplast may be discoid. यहां से आप अंडरलाइन कर लेना अच्छे से, डिस्क शेप, प्लेट लाइक सॉसर शेप, रेटिकुलेट नेटवर्क लाइक, कप शेप, कप शेप लिखा ही हुआ है, क्या बोले हम इसको, स्पाइरल, स्पाइरल ही होगा, रिबन शेप, रिबन लाइक। तो ये आपने फिर से रिवाइज करो, क्लोरोप्लास्ट जब पढ़ाया था तब भी मैंने ये बताया हुआ है, जैसे जिग्नेमा का भी बताया, स्टार शेप, डिस्कॉइड, कप शेप, ये सब आया हुआ है ना बेटा, नेटवर्क लाइक, स्पाइरल, स्पाइरोगाइरा। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी, किस चीज का स्टोरेज, फूड का स्टोरेज। जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर द क्लासिफिकेशन, दैट इज स्टोरेज बॉडी, इट इज नोन एज पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड्स बेटा डायरेक्ट एमसीक्यू है, बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का, क्लोरोफाइसी तो बहुत फेवरेट है, भर भर के इंफॉर्मेशन है। ठीक है, पायरेनॉइड्स स्ट्रक्चर क्या है, पहले ये भी आ चुका है, प्रोटीन्स बिसाइड स्टार्च, proteins beside starch, मतलब proteinaceous sheath surrounding the starch। okay, ठीक है बेटा, तुम लोग को समझ में आ रहा है ना, बोर लग रहा है क्या, बोर तो लगता है, क्या कर सकते हैं हम इसका।
वेरी गुड, चलो बस पढ़ते रहो। पायरेनाइड्स कंटेन्स प्रोटीन विल सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। पढ़ा हुआ है बेटा, ये पढ़ा हुआ है ना, ऑयल ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं फूड स्टोरेज में। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल। बेटा प्लांट में आ चुके हैं तो सेल वॉल तो हमें चाहिए ही, ठीक है। यूजुअली ज्यादातर हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ एन इनर लेयर, ये ध्यान से देख लेना, हाईलाइट करो, ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पैक्टोज। अब आते हैं उस पॉइंट पे जो मैंने बोला था कि जब आप कहीं वाटर बॉडीज के किनारे किसी पत्थर पे खड़े होते हैं तो आपको एक स्लिपरी सा अपीयरेंस क्यों फील होता है, क्योंकि वो पैक्टोज की बनी हुई लेयर होती है, पैक्टिन की आउटर लेयर, जिसमें मिडिल लैमला आपका अगर सिंगल सेल तो बोलोगे नहीं बेटा, मल्टी स्ट्रक्चर होगा, कॉलोनियल स्ट्रक्चर मल्टी, वहां पे बहुत सारा पैक्टोज प्रेजेंट होगा, वो डिजेनरेट होता है। तो पैक्टिन की लेयर की डिजेनरेट होने से वहां पे स्लिपरी अपीयरेंस आता है। ओके गुड, आगे देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देखो हम क्लोरोफाइसी के कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, तो कैसा देखा उसका, कहाँ अपीयरेंस है, वो कैसा है, वो दिख कैसा रहा है, उसका क्लोरोप्लास्ट कैसा है, उसका फूड स्टोरेज कैसा है, उसका पिगमेंट कैसा है, एंड लेयर पे आए और अब सीधे कहाँ आ गए, रिप्रोडक्शन पे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। अब आपने जो ब्रॉडर में आपने पहले पढ़ लिया एल्गी के रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसी में से तो कोई एक होगा ना बेटा, अपन एल्गी के अंदर ही है, वहां पे ही एक ही पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन। ओके, और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। अब ये आपकी एनसीईआरटी यहाँ पे बहुत होशियार बन गई, पहले लिखी थी कि स्पोर फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे इसने इसको वेजिटेशन में डाल दिया, तो आप होशियारी अपनी रखना, स्पोर कहाँ पे आएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किससे हो रहा है, जूस्पोर। जूस्पोर को फॉर्म करने वाला स्ट्रक्चर जूस्पोरेंजिया। हो गई खत्म एनसीईआरटी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तीन फॉर्मेशन ही है। नाउ नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, शोज कंसिडरेबल वेरिएशन, वेरिएशन क्योंकि वेरिएशन है एल्गी में, इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स, ऑर्गन नहीं है सेक्स सेल्स, एंड इट मे बी आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ओगैमी, तीन टाइप आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, यही तीन है यूनिवर्सली, यही तीन है बेटा, कुछ और नया नहीं है, इनके टाइप्स हो सकते हैं लेकिन ये तीन है। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी, अब एग्जाम्पल आ गया आपकी एनसीईआरटी यहाँ कहानी खत्म करती है क्लोरोफाइसी की, क्लैमाइडोमोनास लिखना, यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर है लेकिन ये कॉलोनियल है, वॉलवॉक्स कॉलोनियल है, सेलुलर लेवल पे इसमें जो लेवर है ना वो डिफरेंशिएट है कि पैरेंटल कॉलोनी के पेरिफेरी पे क्या वर्क हो रहा है, इंटरनली क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस कौन से वॉलवॉक्स कर रहे हैं, ठीक है, फूड स्टोरेज कौन से कर रहे हैं, इस तरीके से इनका एसोसिएशन चलता है बेटा। यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा एंड कारा, बेटा ये तो बहुत ही फेवरेट है, इसको डिटेल में देखना है अपने को, ये ब्रायोफाइटा से कैरेक्टरिस्टिक शो करे, इज इट क्लियर। तो एक आपको मिलेगी जो थोड़ी सी हायर कैरेक्टरिस्टिक्स ली होगी, लेकिन ग्रीन पिगमेंट है तो आपने कहाँ रखा है इसको, क्लोरोफाइसी में, क्योंकि क्लासिफिकेशन ही है बेस्ड ऑन द पिगमेंटेशन, तो एक आपको यहाँ पे क्लोरोफाइसी में भी, क्लोरोफाइसी की हायर एल्गी है और क्लोरोफाइसी की यूनिसेलुलर एल्गी है, फिर कॉलोनियल एल्गी, इज इट क्लियर। अब फिगर 3.1 ए तो ऑलरेडी कवर हो चुका है आपका, वहां पे क्या क्या था, वॉल्वॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स। ओके बच्चों चलो, ओके वेरी गुड। द क्लोरोप्लास्ट मे बी डिस्क्वायर्ड प्लेट लाइक रेटिकुलेट कप शेप स्पाइरल रिबन शेप, ये आपको लिखने की नीड नहीं है, लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पायरेनॉइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। अब आप देखो थोड़ा सा बाहर चलते हैं, आपको थोड़ी ग्रीन एल्गी की साइड कराते हैं। अब आप देखना एक लोअर, ठीक है, एक हायर, लिखा है क्लैमाइडोमोनास, क्या है तो ये ना मैं तंग आ चुकी हूँ वॉलवॉक्स से कभी कभी, ये है वॉलवॉक्स की कॉलोनी बेटा, क्लैमाइडोमोनास नहीं है, वॉलवॉक्स की कॉलोनी है। एंड देन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कारा, कारा का स्ट्रक्चर आपको कैसा दिख रहा है, कुछ प्लांट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना,
ये बहुत छोटी छोटी कॉलोनी है, पूरे एक स्ट्रक्चर है कॉलोनियल, तब आपको दिखी ये अकेले एकदम प्लांट जैसे ब्रांच ब्रांचेस दिख रहा है। तो कारा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हायर एल्गी, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर बाद में बात करेंगे, जो ब्रायोफाइटा से रिजेंबल करें, तो ये लिंकिंग मतलब एक इवॉल्व एल्गी हो जाएगी। ओके, यूलोथ्रिक्स, पर्डोगोनिया, कारा जो आपके काम की चीज है वो देखते हैं, क्लैडोफोरा, स्पायरोगाइट। नाउ नेक्स्ट आता है फियोफाइसी, क्या है, ब्राउन एल्गी है। देखो क्लोरोफाइसी आपको सी से क्लोरोप्लास्ट से समझ में आ जाता है, रोडोफाइसी आपको आर से रेड एल्गी समझ में आ जाती है, फियोफाइसी को आप अटैच नहीं कर पाते और एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, ब्राउन, ब्राउन। ओके, तो ब्राउन एल्गी आप इसको बोल देना फटाफट। फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन मैराइन हैबिटेट, प्राइमरली मतलब प्रिमिटिव, इनका फेवरेट क्या है, मैराइन हैबिटेट। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स, एक्टोकार्पस, हाईलाइट तो बहुत पूछता है एनसीईआरटी का पॉइंट है बेटा, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, फिलामेंटस फॉर्म से लेके प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प, ब्राउन एल्गी में है, विच मे रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर। इमेज भी दिखाया इसका आपका मैंने, एक छोटे से आपको ट्री जैसा एटमोस्फियर ही दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि समुद्र में नीचे से कुछ पेड़ों की फोटो ली गई। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द बेसिक एकदम प्राइमरी पेड़ है, प्लांट है, एल्गी है। टॉप टू आपको दिया हुआ है, लेंथ इसकी जा सकती है 100 मीटर तक, डिपोजिस क्लोरोफिल ए सी। बेटा अब ये नहीं आपको रखना है कि ए को गायब कर दो, मैंने बोला ना ए हमेशा यूनिवर्सल प्लांट है, मतलब ए है, सी याद रख लो क्योंकि जितना है उतना आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। अब क्योंकि इसका ब्राउन कलर है तो आपको कुछ और ऐसे कैरेटिनॉइड्स हैं जो इसके कलर में डोमिनेंट है और ग्रीन को सप्रेस कर रहे हैं बेटा, तो वो क्या हो जाता है, जेंटोफिल, कैरेटिनॉइड्स एंड जेंटोफिल। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, क्लोरोफिल ग्रीन एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक्स है क्योंकि वो डोमिनेंट है वहां, लेकिन कंसेंट्रेशन में कम हो गया तो वो फियोफाइसी का ब्राउन कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया, जेंथोफिल का कंसेंट्रेशन कम ज्यादा हो गया, फिकोजेंथिन ज्यादा हो गया, कैरेटिनॉइड्स ज्यादा हो गए तो उसका कलर ब्राउन दिख रहा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस वो भी कर रहा है तो क्लोरोफिल तो होगा। एम आई क्लियर विद दैट, तो दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग किस पे आपने कलर किया, आर्ट ड्राइंग बनाई है तो आप देखते होगे कि आप जितना जितना ब्राउन डालोगे व्हाइट के अंदर, व्हाइट सप्रेस होता जाएगा और ब्राउन डार्क होता जाएगा। अगर आपने डार्क ब्राउन लिया था और व्हाइट डालना स्टार्ट करो तो ब्राउन सप्रेस होता जाएगा और वो लाइट कलर में कन्वर्ट होगा, इस तरीके की चीजें आप समझ सकते हो। तो इट्स डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन देम, और पिगमेंट कौन सा है, ज़ैंथोफिल और फ्यूकोज़ैंथिन, मार्क कर लो, हो गया क्वेश्चन तैयार। यहां से यहां तक की इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, सभी कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर आते हैं, पिगमेंट की बात हो गई तो एक आपने हैबिटेट की बात की, फिर पिगमेंट की बात की, नेक्स्ट क्या होगी, फूड स्टोरेज। तो फूड स्टोरेज एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन और मैनिटॉल। डायरेक्ट क्वेश्चन, मैनिटॉल के फॉर्म में फूड स्टोरेज किसमें रहता है। अब आपको एक टेबल दी होगी बेटा, टेबल 3.1, ठीक है, ये थ्योरी में लिखा है, टेबल 3.1 में आप देखो, मेजर पिगमेंट स्टोर्ड फूड, मैं दिखा देती हूँ आपको स्क्रीन पे एक बार, है ना, मीटिंग ओवर हो जाएगी तो फिर आप ज्वाइन नहीं करना। तो आप ये देखो, ये आपका 3.1, तो यहाँ पे आपको स्टार्च मिला है जिसमें आप पायरेनाइड्स की बात किए थे, यहाँ पे आप क्या बात कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये नहीं कह रहे कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन क्या है वो, मैनिटॉल लैमिनेरिन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा। फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च ये किसमें देखा जाएगा, रिपोर्टेड होगा रेड एल्गी में, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है। ए को कॉमन कर दो, ए ए ए बी सी डी, हम तुमको बता देते हैं किस तरीके से याद किया जाता है, बी सी डी, और ब्राउन दिख रहा है तो फ्यूकोजेंथिन, जेंथोफिल हायर,
एरिथ्री, एरिथ्री वर्ड को, एरिथ्रिन वर्ड को, एरिथ्रो को पकड़ो, ये आरबीसी से रिलेटेड है, रेड रेड कलर से रिलेटेड है, पहले भी आया है वर्ड पाइको, एरिथ्रिन। फाइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ एल्गी, तो एल्गी के अंदर एरिथ्रिन पिगमेंट, फाइको एरिथ्रिन। इज इट क्लियर बेटा? इसको आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो ये सब क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व होते हैं बेटा, परेशान नहीं होना। इन्फॉर्मेशन है, याद करनी है, आगे जाके डॉक्टर बनना है। दुनिया भर की डिजीज, दुनिया भर के ड्रग्स, यूं बैठोगे दो सिम्टम बताएंगे और तुम पर्चे पे दवा लिख के दोगे, दुनिया भर की ड्रग्स याद रहेगी। ठीक है, दुनिया भर के ऑपरेशन करते वक्त क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या यूज करना है, ये दो वो दो, ये दो वो दो, चिल्लाते रहोगे। तो ये सब तो बहुत छोटी चीज है, अभी जर्नी स्टार्ट हुई है। चलो फटाफट लिख लो, लैमिनेरिन एंड मैनिटोल, आपको फूड स्टोरेज क्यों मिल गया। रिप्रोडक्शन पे पहले सेल वॉल की बात करते हैं। वेजिटेटिव सेल्स हैव सेलुलोजिक वॉल, सेलुलोज प्रेजेंट है, यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय अ जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। एल्जिन प्रोटीन पूछेगा, कोटिंग पूछेगा, ध्यान रखना बेटा। ओके बेटा, एल्जिन आप देखो, जो अब अपना जनरल पढ़ रहे थे तो वहां पे ब्राउन एल्गी के लिए एग्जांपल आए थे एल्जिन का। ठीक है, कैरागिन एंड एल्जिन आया था, कैरागिन रेड एल्गी का आया था, एल्जिन ब्राउन एल्गी का आया था, वही लिखा है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड, प्रोटोप्लास्ट की बात हो रही है, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल आया, न्यूक्लियस आया, यूकैरियोटिक या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ दिक्कत नहीं है। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली, बेटा ये समझ में आया ना, वैक्यूल सेंट्रल वैक्यूल की बात हुई है और न्यूक्लियस पेरीफेरी पे चला जाएगा, जैसे सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल आया तो न्यूक्लियस किनारे दब जाएगा, ये वैक्यूल तो यहाँ न्यूक्लियस। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम, तो क्या आएगा, होल्ड फास्ट, ले आओ, जोड़ने के लिए, सबस्ट्रेटम से जुड़े रहने के लिए, बाय होल्ड फास्ट एंड हैज अ स्टॉक, जिसको इस टाइप कहा गया, द स्टाइल इमेज में मैंने मार्क कराया था, एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। भूलना नहीं बेटा, लीफ नहीं बोलोगे इसको, दिस इज लीफ लाइक, ऑप्शन होगा फ्रॉन्ट, फ्रॉन्ट। ओके, फिर से इमेज में वापस पलट के देख लो, आपने देखा था किसका, लैमिनेरिया फ्यूकस डिक्टियोटा, ब्राउन एल्गी बी वाला सेकेंड रो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जूस्पोर, इन मोस्ट ब्राउन एल्गी मोटाइल होगा, बाइफ्लैजिलेट, ध्यान रखो दो फ्लैजिला, जूस्पोर किसमें है, फियोफाइसी में। दैट आर पियर शेप्ड, जूस्पोर कैसा है, पियर शेप्ड, ये भी क्वेश्चन है, एंड हैव टू अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला। जैसे बेटा आपको याद है यूग्लिना में अनइक्वल फ्लैजिला देखा था हमने, डायनोफ्लैजिलेट में हमने डाई दो फ्लैजिला, और अनइक्वल क्या, उसका तो पूरा अरेंजमेंट ही अनइक्वल है, तो यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है, टू अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला, तो पियर शेप कुछ ऐसे आप स्ट्रक्चर बना दो और यहाँ पे फ्लैजिला लगा लगा दो अलग अलग लेंथ का, और लिख लो इसको लैटरल साइड पे, ये एंटीरियर होता है, ये पोस्टीरियर होता है, ये डॉर्सल होता है, इसके नीचे वेंट्रल होता है, ये दोनों लैटरल होता है। वो लोग पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, कई बार बता चुकी है बेटा। ठीक है, अपना हाथ सामने रखो, हाथ का जो ब्राउन वाला पोर्शन, हथेली पाम, ब्राउन वाला पोर्शन वो क्या है, डॉर्सल, व्हाइट वाला पोर्शन जिधर हाथ की रेखाएं दिख रही हैं तुम्हें वो क्या है, वेंट्रल। ओके, जिधर फिंगर नेल्स है वो हो गया एंटीरियर, जिधर आपकी आगे की हाथ कलाई जुड़ी हुई है वो हो गया पोस्टीरियर, तो एंटीरियर पोस्टीरियर डॉर्सल वेंट्रल, इस तरीके से आपको बहुत चीजें पढ़नी पड़ेगी, तो सरफेस तो ध्यान ही रखो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मार्क कर लो, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी, तो अभी आपको फियोफाइसी में भी तीनों मोड मिला है और क्लोरोफाइसी में भी तीनों मोड मिला है। ओके बेटा, यूनियन ऑफ गैमेट्स मे टेक प्लेस इन वॉटर और विद इन द ऊगोनियम। ऊगैमस टाइप का प्रिमिटिव, मतलब आपको इवॉल्व मिलेगा, गैमेट का फ्यूजन होगा, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, जो स्ट्रक्चर जहां पे ऊगैमेट, या ऐसे आप समझो कि ऊगैमी शो करेगा, तो वो क्या होगा, फीमेल बॉडी होगी, तो फीमेल बॉडी के वो स्ट्रक्चर, वो शैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा, वो क्या हो गया बेटा आपका,
गोनियम, ठीक है। जैसे गैमेटेंजियम आया ना, गैमेट को होल्ड करने वाला गैमेटेंजियम, स्पोर को बियर करने वाला स्पोरेंजियम, उगोनी उगोमस को बियर करने वाला उगोनियम। कोई दिक्कत है? नहीं है ना, टर्म है सब। द गैमेट्स आर पायरीफॉर्म, पायरीफॉर्म बोले तो पियर शेप्ड। यहाँ पे क्या आया था? जूस्पोर, पायरीफॉर्म, पियर शेप। पायरीफॉर्म वर्ड नहीं यूज किया था, यहाँ पे क्या है? गैमेट, पायरीफॉर्म, फिर से पियर शेप है। पियर समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? एप्पल जैसा एक फ्रूट होता है पियर, एंड बियर, पियर एंड बियर, शायरी भी चल रही है इसी में। टू लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला। ओके बेटा, क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना, बार बार बोल रही हूँ। वहां पे पियर शेप लिखा है, यहाँ पे भी पियर शेप लिखा है, वहां पे भी टू अनिक्वल फ्लैजेला की बात हुई थी, लेकिन वो जूस्पोर है, ठीक है। ये उगैमी करने के लिए मेल गैमिट है, फ्लैजेला प्रेजेंट है, समझ में आया? तो ये पियर शेप में उलझना मत, कोई बात नहीं है ना, उसके दो स्ट्रक्चर एक जैसे पियर को पसंद कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं अपन, याद कर लेंगे। द कॉमन फॉर्म्स आर, एग्जाम्पल आ गया, कहानी खत्म। लास्ट लाइन देखो आप, एक्टोकार्पस डिक्टियोटा लैमिनेरिया सार्गासम एंड फ्यूकस। एक्टोकार्पस डिक्टियोटा लैमिनेरिया सार्गासम एंड फ्यूकस। सार्गासम का नाम आपको आया था जब आप वहां पे पढ़ रहे थे ना, हाउ टू यूज, तो एज अ फूड में आया हुआ था सार्गासम का नाम। ओके बेटा, मेनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा लैमिनेरिया एंड सार्गासम आर अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। अभी आपको यहाँ पे दो पॉइंट मिले हैं देखो रिलेटेड। एक तो मराइन देखा आपने, यहाँ पे देखा था मोस्टली दे आर मराइन हैबिटेट, मराइन हैबिटेट, क्लियर। वहां पे मराइन फूड लिखा हुआ था, एग्जाम्पल में आया आपके सार्गासम, याद रखना। किसके है, किसका पार्ट है? ब्राउन एल्गी का है। इज इट क्लियर? अब आप फटाफट देखो यहाँ पे एक्टोकार्पस जो पूछा जाता है उसको देख लो एक बार, और आप सार्गासम देख लो, सार्गासम हायर। ओके, अब इनका अपीयरेंस देखो आप, कहीं पे ये ग्रीनिश दिख रहा है क्लोरोफिल, क्योंकि प्रेजेंट ही होता है, कंसंट्रेशन वेरी कर रहा है, कहीं पे ब्राउन का शेड दिख रहा है, कहीं पे थोड़ा सा रेडिश भी दिख रहा है, तो अलग अलग तरीके के इसके अपीयरेंस। डिक्टियोटा लैमिनेरिया। ओके बच्चों, आप देखो लैमिनेरिया आपके इमेज में भी दिया हुआ है, वहां पे भी देखो, समथिंग लाइक फ्रॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर आपको बहुत आराम से दिख रहा है, और ये आप नीचे वाला देखो, दैट इज डिक्टियोटा, ठीक है। आप अपने इमेज में देखो बी का थ्री, बी का थर्ड में इसी तरीके से कुछ स्ट्रक्चर है, उसमें एयर ब्लैडर है, फ्लोटिंग रहेगा, वो मिलेगा। चलो यहीं पे एंड करते हैं लेक्चर, बढ़िया से एग्जांपल्स को लिखो बेटा, रिवाइज करो, प्रोटोफाजी देख के उसके बाद कंप्लीट करके, कुछ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है फटाफट कल के लेक्चर में आपके कवर हो जाएंगे। ओके चलो, बाय बाय, टेक केयर, बाय बेटा, बाय। रिवाइज करना, डरना मत, एकदम मत डरना, ये सब कुछ डराता नहीं है हमें, सब अच्छे से होगा, बाय।